हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल कुलकर्णी। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में। मेरे कई सारे दोस्तों से मुझे रिक्वेस्ट आई है कि तुम अपनी चैनल की वीडियोस जो है वो हिंदी में क्यों नहीं बनाते हो। अगर हम हिंदी में वीडियो बना देते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे, इसलिए मेरा पहला वीडियो जो है वो हिंदी में मैं अभी बना रहा हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोलेरो के क्रूज़ कंट्रोल के बारे में। तो चलिए देखते हैं बोलेरो का क्रूज़ कंट्रोल कैसे काम करता है। सो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं पंढरपुर वाया सोलापुर पुणे हाईवे। सो इस रास्ते पे हम अभी अपना क्रूज कंट्रोल टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, स्टीयरिंग पे अभी अपने पास चार बटन्स मौजूद है। यहाँ पर एक रिज्यूम का बटन है, एक क्रूज कंट्रोल ऑफ का है, और ये सेट जो लिखा हुआ है उस पर एक प्लस और माइनस है। ये आपको क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए यूज होगा। इसका और एक यूज है जो एक्सेलरेशन कम और ज्यादा करने के लिए यूज होता है। सो क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए दो कंडीशंस आपकी मेट होनी चाहिए, जैसे कि आपका आरपीएम है वो 1200 से ऊपर होना चाहिए और आपका जो स्पीड है वो 20 के ऊपर होना चाहिए। सो अभी अपना स्पीड है 82 किलोमीटर पर आर और अपना जो आरपीएम है वो अराउंड 2000 है। सो दोनों भी अपनी कंडीशन मेट है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, क्रूज कंट्रोल एंगेज कर देता हूँ यूजिंग प्लस बटन। सो जैसे ही मैंने प्लस बटन दबा दिया, यहाँ पे मीटर पे दिख रहा है मुझे कि क्रूज कंट्रोल इज ऑन। सो मुझे अभी कोई भी पैर से एक्सेलरेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो कि 82 किलोमीटर पर आर गाड़ी मेरी अभी कंटिन्यूसली रहेगी, और आप देख रहे हो कि मैंने पैर से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। सो अगर मुझे स्पीड कम ज़्यादा करनी होगी एक्सेलरेशन की, सो मैं जस्ट ये बटन्स दबा सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं माइनस माइनस दबा रहा हूँ और यहाँ पे हर माइनस के बाद मेरा स्पीड कम हो रहा है, और सेम अगर मुझे स्पीड बढ़ाना है तो मैं प्लस प्लस करते जाऊँगा। अभी 71 तक चले गए हम लोग, 73 74, और आप ये भी देख सकते हो कि जैसे कि अगर अपना क्रूज कंट्रोल ऑन है तो वहां पर एक ग्रीन लाइट भी जल रही है। सो आप देख सकते हो कि मैंने पैर से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, क्रूज कंट्रोल मेरा ऑन है और यहाँ पे 80 का स्पीड मुझे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है और ग्रीन लाइट जल रहा है। सो अगर ये मुझे क्रूज कंट्रोल ऑफ करना होगा, सो मैं ये बटन यूज कर सकता हूँ या फिर क्लच या फिर ब्रेक, दोनों में से कोई भी अगर मैंने प्रेस कर दिया तो क्रूज कंट्रोल मेरा ऑफ हो जाएगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि क्रूज कंट्रोल ऑफ कैसे करता है। सो इधर मैं ये बटन दबा दूंगा, जैसे कि ये ऑफ का बटन है, इससे क्रूज कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। सो जैसे मैंने ऑफ दबा दिया, यहाँ पर मुझे मैसेज लिख के आ गया क्रूज कंट्रोल ऑफ। सो गाड़ी का स्पीड एकदम से डाउन हो गया उसके बाद। सो दोस्तों, आपके दिल में ख्याल आ गया होगा कि ये प्लस माइनस बटन का तो मुझे यूज पता चल गया, ये क्रूज कंट्रोल ऑफ का बटन का भी पता चल गया, तो ये आरईएस बटन क्या है, वो क्यों दिया गया है? तो बेसिकली ये आरईएस बटन इसलिए होता है, इसका मीनिंग है रिज्यूम। सो जिस मोड पे ये लास्ट मेरा क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हुआ था, अगर सेम मोड मुझे वापस से एक्टिवेट करना होगा, सो आई विल प्रेस दिस रिज्यूम बटन। तो चलो हम अभी इसका यूज करके भी देख लेते हैं कि अपना बटन ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो मैं अभी ये रिज्यूम बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखते हैं उससे क्रूज कंट्रोल अपना एक्टिवेट होता है या नहीं होता है, और अपना स्पीड जो है वो 80 तक जाता है कि नहीं जाता है ऑटोमेटिकली। सो ये मैंने रिज्यूम कर दिया और यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है और मेरा स्पीड बढ़ रहा है। सो ये कम होना चाहिए, बेसिकली 80 तक ही आना चाहिए। आप देखो कि ये ऑटोमेटिकली कम हो रहा है और ये 80 पे आके स्टेबल हो जाएगा भी।
सो ये दो चार प्लस माइनस होते रहेगा, क्योंकि अगर आप चढ़ान पे हैं या फिर ढलान पे है सो ये आपका स्पीड जो है थोड़ा बहुत एक दो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आपको पैर से कोई भी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो बोलेरो न्यू के रिगार्डिंग तो मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, तो मैं आपको उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। सो फिलहाल अपनी ये जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल हो रही है, जहाँ जहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि अरे स्पीड कम करना है तो मैं यहाँ से ही डायरेक्टली ऑफ कर रहा हूँ क्रूज कंट्रोल, और वापस से जहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन करना होगा मैं यहाँ पर रिज्यूम कर रहा हूँ। पैर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से ऐसे बैठ सकता हूँ, बस स्टेयरिंग यहाँ पे हिलाओ एंजॉय, और ये मानसून में ऐसी राइड एंजॉय करना मतलब वाह आप सोच सकते हो। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।